तो मित्रों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, बेस रेट, एमसीएलआर और बेंचमार्क लेंडिंग रेट। तो ये बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट है, लेकिन काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि ये क्या है, बेस रेट कैसे डिसाइड होता है, एमसीएलआर कौन डिसाइड करता है और किन बेसिस पे ये डिसाइड होते हैं। तो थोड़ी सी देर में हम इन सब टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं बेस रेट। देखो, बेस रेट क्या होता है, पूरा मुद्दा ये है कि आरबीआई चाहता है कि बैंक जो कस्टमर्स को है वो एक अच्छा लेंडिंग रेट दे, उन पे जो इंटरेस्ट रेट हो वो एग्जॉर्बिटेंट ना हो और मनमर्जी से ना थोपा जाए। इसलिए आरबीआई ने ये तीनों सिस्टम जो है वो टाइम टाइम पे लाए थे। बेस रेट क्या है, लगभग 2010 के दौरान ये बेस रेट सिस्टम आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें आरबीआई ने कहा सभी बैंकों को कि आप अपने अपने बेस रेट डिसाइड कर लो। बेस रेट माने वो रेट जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी भी कंज्यूमर को कभी भी लोन नहीं देगा। तो बेस रेट किन पैरामीटर्स पे डिसाइड होना था, ये तीन पैरामीटर्स आरबीआई ने डिसाइड किए कि कॉस्ट ऑफ फंड कितना है बैंकों के पास। कॉस्ट ऑफ फंड माने बैंक कस्टमर्स को डिपॉजिट्स पे कितना रेट दे रहे हैं, और अनएलोकेटेड कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज कितना है, मतलब जो उनके कंप्यूटर या उन्होंने जितनी भी अपनी ब्रांचेस वगैरह खोल रखी हुई है उनका जो उनकी पूरी कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, और रिटर्न कितना चाहिए उन्हें अपनी पूरी नेटवर्थ पे। तो ये तीन चार पैरामीटर्स ऐसे दिए गए, आरबीआई ने बोला कि भाई अपने हिसाब से अपना अपना बैंक रेट तुम बेस रेट तुम डिसाइड करो, और उसके बाद उससे नीचे कोई भी बैंक कभी भी लैंड नहीं करेगा किसी भी कस्टमर को, राइट। सो दिस वॉज द मेन एम ऑफ बेस रेट, और दिस वॉज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ बेस रेट। अब बेस रेट को यूपीएससी कंफ्यूज करवाएगी आपको बैंक रेट से। बैंक रेट एक अलग सिस्टम है, इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये एक डिफरेंट टॉपिक में आता है, लेकिन आपको बता दूं अभी, बैंक रेट वो रेट है जिसमें आरबीआई सरकारों को या बाकी बैंक को बिना किसी सिक्योरिटी के लोन देता है, जिसमें आरबीआई लोन देता है। ये कंफ्यूज नहीं करना है बैंक रेट माने जो जिस रेट पे बैंक लोन देगा, नहीं। बैंक रेट इज द रेट ऑन विच आरबीआई गिव्स लोन टू द गवर्नमेंट्स, टू स्टेट गवर्नमेंट, टू सेंट्रल गवर्नमेंट और टू द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विदाउट द सिक्योरिटीज। वो बदले में कोई सिक्योरिटी उनसे नहीं लेगा, मतलब वो बदले में कोई भी उनसे जो स्टैट्यूटरी सिक्योरिटीज होती है, जो बॉन्ड्स होते हैं, वो बदले में आरबीआई नहीं लेगा। तो इसका जो प्राइस है वो रेपो रेट से यूजुअली थोड़ा हाइयर रहता है। तो दिस इज बैंक रेट, लेकिन इसको बेस रेट से आपने कंफ्यूज नहीं करना है। बेस रेट इज द रेट दैट इज डिसाइडेड बाय द बैंक देमसेल्व्स बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट ऑफ फंड एंड बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेट रिटर्न्स। लेकिन इस बेस रेट में क्या गलती थी, गलती इसमें आरबीआई ने ये पाई कि जब 2015 में आरबीआई ने अपना एक ये रेपो रेट सेट करने का जो सिस्टम है और जो मॉनेटरी पॉलिसी का सिस्टम जो आरबीआई ने लॉन्च किया 2015 में, अब आरबीआई क्या करता था, आरबीआई तो रेपो रेट को डिक्रीज कर देता था इसलिए ताकि कंज्यूमर्स को उसका फायदा मिले। रेपो रेट डिक्रीज होगा मतलब जो बैंक है वो अब सस्ती दरों पर आरबीआई से लोन ले लेंगे रेपो रेट पे, पर बैंक उनको आगे ट्रांसफर नहीं कर रहा था उन बेनिफिट्स को कंज्यूमर्स को। बैंक अपना रेट उतना ही रख रहा था और आरबीआई रेपो रेट डिक्रीज करे जा रहा था, इससे फायदा बैंकों को हो रहा था क्योंकि अब उन्हें फंड्स तो सस्ते मिल रहे हैं पर आगे वो लोन्स सस्ते में नहीं दे रहे हैं, मतलब उनका जो जो इंटरेस्ट पे जो उनकी आउटकम होती थी वो बढ़ गई और उनके लिए जो रिटर्न्स है वो बैंकों के लिए बढ़ गए, बैंकों के फायदे हो गए और कस्टमर्स को उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा था। अब आरबीआई ने डिसाइड किया कि एक एमसीएलआर रेट हम तय करते हैं। एमसीएलआर में आरबीआई ने क्या कहा कि एक फ्लोटिंग रेट लोन्स जो भी आप देंगे, फ्लोटिंग रेट्स माने जो मार्केट के हिसाब से चेंज होते रहेंगे, उन लोन्स को आप अब लिंक कर दोगे हमारे रेपो रेट के साथ। मतलब अगर आप एक अपना बेंचमार्क का प्राइस डिसाइड कीजिए, आप अपना लेंडिंग रेट डिसाइड कीजिए जो मिनिमम होगा, और उसको लिंक कर दीजिए हमारे रेपो रेट के साथ।
अब अगर हम रेपो रेट बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो लेंडिंग रेट है वो भी बढ़ जाएगा, अगर हम रेपो रेट घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो लेंडिंग रेट है वो भी घट जाएगा और कस्टमर को इसका फायदा पहुंचेगा। मतलब हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो मार्केट में इफेक्टिव होगी। पहले तो इफेक्टिव नहीं थी, व्हाई? बिकॉज बैंक्स वर नॉट ट्रांसफरिंग, दे वर नॉट ट्रांसमिटिंग द बेनिफिट्स ऑफ डिक्रीज्ड रेपो रेट्स और द बेनिफिट्स ऑफ न्यू मॉनेटरी पॉलिसी टू द कंज्यूमर। लेकिन MCLR में क्योंकि अब लिंक कर दिया गया रेपो रेट के साथ उसको, तो अब अगर RBI रेपो रेट घटाती है तो बैंकों का लेंडिंग रेट भी ऑटोमेटिकली घट जाएगा, और अगर रेपो रेट बढ़ाती है तो ऑटोमेटिकली बैंकों का लेंडिंग रेट भी उससे बढ़ जाएगा। तो ये क्या कंपोनेंट्स थे, क्या इसके पैरामीटर थे, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल MCLR का कंसेप्ट क्या था ये काफी है, और 2016 के करीब इसको RBI ने इंट्रोड्यूस किया। अब आता है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। इस MCLR में प्रॉब्लम ये थी सर कि बैंकों ने कहा आप बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो रहे हो, हमारे ऑप्शन आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, और कई ऐसे बैंक हैं जो काफी दूर दराज के इलाके में भी फंक्शन करते थे, अब उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके जो प्रॉफिट रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि दूर दराज के इलाके में फंक्शन करने की भी एक अलग कॉस्ट है, और वहां पे उतने बोरवर भी नहीं है कि वो कम ब्याज दरों पे भी अपना उतना ही प्रॉफिट कमा सके, तो इसलिए बैंकों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी एडजस्ट करने में कि ये थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव रिजीम है और ये मार्केट प्रिंसिपल्स के थोड़ा खिलाफ जाती है। RBI ने इस बात को रिकंसिडर किया और 2019 में ये एक्सटर्नल बेंचमार्किंग का सिस्टम लाया। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग में क्या अब RBI ने एक नया कंसेप्ट लाया। RBI ने बोला कि MCLR में तो आप अपने लेंडिंग रेट को हमारे रेपो रेट से लिंक करते थे, पर अब हम आपको ऑप्शन देते हैं, हम आपको ऑप्शन देते हैं कि जो एक्सटर्नल बेंचमार्क्स हैं आप उनसे अपने लेंडिंग रेट को लिंक कर दो। और वो एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या थे, या तो आप रेपो रेट से लिंक कर दो, मतलब रेपो रेट बढ़ेगा घटेगा तो आपका लेंडिंग रेट भी बढ़ना या घटना चाहिए, या आप 3 मंथ के जो ट्रेजरी बिल होते हैं, अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट 2 तरीके के अपने जो सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अपने जो लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो 2 तरीके के वो उसमें मार्केट में जारी करते हैं। कुछ को कहते हैं बॉन्ड्स, बॉन्ड्स यूजुअली उनको कहते हैं, उन सिक्योरिटीज को कहते हैं जिनका टेन्योर 1 साल से ज्यादा हो, जिनका 1 साल से कम है उनको हम ट्रेजरी बिल्स कहते हैं, और ये शॉर्ट टर्म के लिए जारी किए गए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब बैंक सरकार क्या करेगी, सरकार ट्रेजरी बिल्स देगी, सरकार अपनी सिक्योरिटीज मार्केट में बेचेगी और उन सिक्योरिटीज के बदले मार्केट से पैसा उठाएगी। तो ये 3 मंथ्स के जो ट्रेजरी बिल्स हैं इनसे भी आप लिंक कर सकते हो, RBI ने बोला। 6 मंथ्स की ट्रेजरी बिल्स की जो यील्ड होगी आप उनसे भी लिंक कर सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो कि फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी है जो कि बेंचमार्क्स ही डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, मार्केट का एक्यूरेट इंटरेस्ट रेट क्या है, तो इसके जो बेंचमार्क्स है आप उन बेंचमार्क पे बेस्ड भी आप अपनी अपना जो लेंडिंग रेट है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। सिंपल कंसेप्ट है, MCLR में RBI ने क्या कहा, RBI ने कहा कि आप किसी भी अपने लेंडिंग रेट को रेपो रेट से लिंक करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे दिए। ऑप्शंस क्या दी, 3 मंथ्स की जो ट्रेजरी बिल्स हैं, ट्रेजरी बिल्स क्या होती है, जो सरकार इशू करती है ताकि वो मार्केट से पैसा उठा सके, लोन उठा सके। ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल बॉन्ड्स की तरह होती है और ये बॉन्ड ही है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि इनमें 1 साल से कम का इनका जो है टेन्योर रहता है। ठीक है, और 6 मंथ्स के टी बिल्स हैं, या फिर कोई भी अदर बेंचमार्क जो कि फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने डिसाइड किए हो, पब्लिश किए हो, उनसे भी आप लिंक कर सकते हो अपने जो लेंडिंग रेट्स हैं। तो ये है पूरा कंसेप्ट बेस रेट का, MCLR का और एक्सटर्नल बेंचमार्किंग का। आई होप गाइज आपको ये वीडियो में समझ आ चुका होगा, और थैंक यू सो मच, आपकी थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है और आपको पता है सपोर्ट आपकी कैसी रहेगी। ओके, थैंक यू।